tell him here, gon' swipe, strike. Tell him, Mia Khalifa. एक खत्म नहीं हुआ काम करना। अगर आपको दूध चाहिए होगा तो आप क्या करोगे? सिंपल, बाजार जाके ले आऊंगा। ना 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 ना, ये तो हुआ आम जिंदगी। मेंटोस खाने वाले 2 मिलियन चूतिए लोग यूट्यूब पर जाके सर्च करते हैं ताजा ताजा दूध, और सबसे मजे की बात उन्हें मिलता भी है। तो और आज हम लोग ऐसी एक दूध वाली आंटी के बारे में बात करेंगे जो यूट्यूब पर अपना ताजा ताजा दूध बेच रही है। आहा, थंबनेल में देखो यार, दो दो बड़े बड़े दूध की थैलियां लटक रही हैं। लाला बढ़िया दूध। नहीं, सबसे पहले तो ये बता, ये पीछे हुक्के क्यों चल रहे हैं? नहीं, गंजेड़ियों के पास दूध की दुकान किस लिए लगाई हो? और बढ़िया दूध, अरे तुमको कैसे पता तुम्हारा दूध बढ़िया है कि घटिया है? खुद ही टेस्ट किया था क्या? नाची आंटी, मैं नहीं डालू पानी। जा, मैं नहीं डालू पानी। अरे आंटी तो शुद्ध दूध दे रही है बिना मिलावट के, वो भी डायरेक्ट। नहीं यार देखो, दुनिया में ना दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो मेकअप करके इंसान से चुड़ैल बनते हैं, दूसरे वो जो मेकअप करके चुड़ैल से इंसान बनते हैं। ये आंटी उसी कैटेगरी की। नहीं क्या सोच रहे थे, ये बालों का घुमाव हॉट है? अजी मेरा नुन्नू, साला पहली बार में मैं तो इतना डर गया था कि क्या हो गया भैया, दूध की थैलियां ज्यादा भारी हो गई क्या कि पूरा का पूरा बॉडी ही नीचे चला गया। देखो यार, वैसे कहने की बात तो नहीं है, बट यार तुम लोग भाई हो तो कह देता हूँ, अगर ये क्लिप देख के तुम्हारे पंछी ने गलती से उबासे भी ली है ना, तो ई लो चाकू और उसे काट डालो, लायक नहीं है वो खड़े होने के। नहीं मतलब मियाँ सनी गोटे, इनकी थोड़ी तो इज्जत रख लो, 2 इंच से 6 इंच का सफर इनके बिना अधूरा था यार, इतनी इतनी सी इज्जत रख लो यार। उंगली डाल के देख लो तुमरो मन भर जाए। उंगली डाल के देखो तुमरो मन भर जाए, पर आंटी वहाँ छेद कहाँ है? Nonsense. नहीं मतलब छेद है पर इतना बड़ा भी नहीं कि अंगुली गुज जाए। नहीं यार, बचपन में वो गाना सुने थे ना, काश कोई मिल जाए वो मेरी जान, कोई सिलिकॉन की दुकान जिसका भारी हो सामान, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो सामान ऐसी निकलेगी। नहीं यार, इस 5 मिनट के वीडियो में इस औरत ने ले लूली, अरे कोई इसके मुंह में दे दो, साली ढिंचक पूजा का आत्मा चढ़ गया है क्या जो एक ही लाइन से पूरे का पूरा गाना बना दिया? और बेंचो, ये 1300 लाइक बटन पर मुट्ठी पहनने वाले कौन से अधमरे लोग हैं? अरे इनके घर कोई ब्रेजर्स का DVD भिजवाओ यार, इन्हें असली माल तो दिखाओ। नहीं सोचो, एक बंदा जिसने पूरे जीवन भर इस पर मुट्ठी मारी है, उसे सडनली HD कलेक्शन मिल जाए, तब उसका हाथ और उसका नुन्नू जस्ट लाइक फेविकॉल छूटे नहीं छूटेगा। और यार इस वीडियो से ज्यादा फनी तो इसका कमेंट सेक्शन है, नहीं एक बार नजर तो डालो। यस, दे दो, मुंह लगाकर पी लूंगा। मतलब थड़क तो मुंह तक आ चुकी है, और भाई तो 4 लाइक्स भी है। नहीं मतलब क्या आप चारों मिलकर पियोगे? किसके मुंह में किसका क्या जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा साला। आर यू मेड बीच टाइप ऑफ वीडियो मेड? कोई अच्छा बनो, जैसे एजुकेशन का वीडियो बुरा लगा हो तो तौली। इंग्लिश हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल अभी जिंदा है। इस बंदे से मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा, ए मदद अपना काम करना। और भाई साहब चाहते हैं एजुकेशन वीडियो, नहीं मतलब आप क्या दूध कैसे पिया जाता है ये भी समझाए क्या? वो कितने रुपए लीटर दिया? अरे कॉमर्स के छोड़े, कमेंट में ही अकाउंट चालू कर दिया तूने तो। इस तीसरे वीडियो का तो टाइटल ही रख दिया हॉट सेक्सी सॉन्ग। ये आंटी ऐसे मुंह क्यों हिला रही हो, जर्दा ठूसी हो या खैनी? नहीं कोई मुझे ये बताओ कि ये कैसी हरकत है? नहीं क्या सिंचन की फैन हो जो हाई गुड़े हाई गुड़े हाई गुड़े हाई गुड़े कर रही हो? अब बात करते हैं दूसरे वीडियो की, दूध में मिश्री। नहीं और दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ हटके करना होता है, इसलिए वो लोग मैगी में सॉस और दूध में मिश्री डालकर। पहले मुझे कोई ये बताओ मैगी में कौन सॉस डालता है? साला मैगी का पूरा टेस्ट कहीं माच तो यार। बदन ये रसीला, ये होट कोका कोला, तभी मैं सोचूं रामदेव बाबा ने कोका कोला को टॉयलेट क्लीनर क्यों कहा था? अब होट इक्वल्स कोका कोला इक्वल्स टॉयलेट क्लीनर, सिंप्लीफाइड। ये देखो अरे बहन चोद दाना भैया, औरत भागो यार। और ये जो देख रहे हो ना, इसे हॉट टेस्ट नहीं चर्बी कहते हैं भैया जी। नहीं यार, इस आंटी के वीडियो पे हॉट और सेक्सी कमेंट देखकर ना मुझे समझ आ गया हमारे देश में राखी सावंत क्यों फेमस है। अब जब 2 मिलियन जनता ही इस मर्द रूपी औरत पर मुट्ठी मार सकती है, तो राखी तो इससे बेटर ही है। तो यार अब इन सब आंटियों के आंटा अंकल से मिलाते हैं आपको। चाहते हो मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाए,
वो कमेंट बॉक्स में स्वाहा लिख दो। बेटा ये जो तुम्हारा 45 डिग्री पे हो चढ़ा हुआ है ना, कंपास घुसा के घुमा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके बताना कैसी लगी, और कमेंट करके ये भी बताओ इस आंटियों के आंटे आई मीन अंकल पे एक स्पेशल वीडियो बनाने की मैं सोच रहा हूँ, तो यार बनाऊ या ना बनाऊ। और यार वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी तो भाई की वीडियो। की राह पे चलते हुए मैंने सही में खुद को कई बार ठुकराया, आंखों में ख्वाब थे, हाथों में कलम और दिल में था मेरे शब्द जाल समाया। गिरता था पड़ता था दिखता बस सपना था, खुद को क्यों मैंने गुमनाम था पाया। फिर लफ्जों ने उठने की ताकत दी, मुझे बताया कि दर्द तेरा होगा ना जाया। कष्टों को सहता सलाखों में बन करके खुद को